नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फैमिली न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिवानी शर्मा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजधानी भोपाल से दिल्ली तक बैठक और मंथन का दौर जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर वापस भोपाल लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं। एमपी में जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। वहीं प्रदेश में अब जल्द ही मंत्रिमंडल के सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। आगामी दिनों में मिनिस्टर सस्पेंस खत्म होने के पूरे आसार हैं। वहीं कैबिनेट गठन को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठक और मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े नेताओं से सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर मुलाकात की है। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर वे वापस भोपाल जो है आ गए हैं। वहीं जल्द ही मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोहन मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं तालमेल दिख सकता है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी कैबिनेट में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 9 में से 5 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी नए चेहरों को लेकर चर्चा जोरों पर है। राजधानी से ही तीन तीन नामों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। इसमें जो है रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री और कृष्णा गौर का नाम शामिल है। सियासी जानकारों का मानना है कि हिंदी प्रदेशों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगभग एक सी रणनीति के तहत नवाचार के निर्णय ले रहे हैं। फिर विधानसभा टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री पद की बात हो या जाति और क्षेत्रगत समीकरणों को साधने की, लिहाजा सीजी का फॉर्मूला एमपी में दिखाई दे सकता है। यह था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।